महाराष्ट्र में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगे। पहले सिर्फ पूजा का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब पूरा परिवार आरोपों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मनोरमा पिस्टल लहराती हुई दिखी। पूजा खेड़कर की मां पिस्टल लहराते हुए किसानों को धमकाती हुई दिख रही। हालांकि वीडियो कब का है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये घटना पुणे जिले के मुलशी की बताई जा रही है। वीडियो में पूजा की मां अपने साथ बाउंसर्स लिए हुए हैं, एक प्लॉट पर खड़ी हैं। उनके हाथ में पिस्टल है जो वो एक किसान पर तान रही है। महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर अपने यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में हैं। अब उनके नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूजा खेड़कर करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन भी हैं। वो चर्चा में उस वक्त आई थी जब ट्रेनी आईएएस होने के बावजूद वो अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगा रही थी, महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगा रही थी, वो तमाम सुविधाएं मांग रही थी जो कि एक ट्रेनी को यानी कि एक प्रोबेशनरी अफसर को नहीं दी जाती हैं। एक ऐसा आईएएस जो कि प्रोबेशन पीरियड पर होता है उनको वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इन सारी सुविधाओं की वो मांग कर रही थी, बल्कि आरोप ये लगा था कि एक एडिशनल कलेक्टर के रूम पर भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी। इन सारी चीज़ों के सामने आने के बाद पूजा एकदम से सोशल मीडिया सेंसेशन भी बन गई थी, और अब उनकी मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पुणे के मुलशी में एक प्लॉट पर खड़ी हुई हैं, कुछ बाउंसर साथ में हैं, हाथों में पिस्टल लहराकर एक किसान को वो धमकाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस बीच मैं आपको बता दूं कि पूजा के सिलेक्शन को लेकर भी तमाम तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट की बात है वो भी सवालों में खड़ी हो रही है। नॉन क्रिमिनल ओबीसी होने का दावा उन्होंने किया था वो भी सवालों में है। मेरा जो भी सबमिशन है उसके रिगार्ड में आई विल गिव इट टू द कमिटी, जो भी प्रोसीजर है आई विल फॉलो इट, आई विल गिव इट टू द कमिटी, बट राइट नाउ आई एम नॉट ऑथोराइज टू टॉक टू द मीडिया। मैडम कई तरह की कार्रवाइयां शुरू हुई है, आपके घर पर बुलडोजर भेजा गया, गाड़ी जब्त की कार्रवाई हो रही है, उसके क्या कहेंगे? मैं वही बोल रही हूँ आपको, जो भी मेरा सबमिशन होगा इसके बारे में आई विल गिव इट टू द कमिटी, द ऑथोराइज कमिटी ऑफ द गवर्नमेंट, आई विल गिव इट टू द कमिटी एंड आई विल आंसर देम, एंड जो भी होगा मैं कमिटी को सबमिट करूंगी। बट अभी मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे कुछ कहने के लिए आई एम नॉट ऑथोराइज्ड, द रूल्स डू नॉट परमिट मी, आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू से एनीथिंग।